हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा सुबह से लेके 9 बजे, 9:30 भी बज सकता है का दिनचर्या मैं शेयर कर रही हूँ सभी के साथ। तो सुबह का समय पूरे दिन का इतना हेल्दी और चमत्कारी समय क्यों बताया गया है आखिर, आप लोग को पता है? अगर पता है तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा क्यों बताया गया है। आखिर लोग सुबह उठने को इतना ज़ोर क्यों देते हैं? इतना चमत्कारी क्यों बताया गया है सुबह उठने को? आखिर इतना स्पेशल क्या है भाई सुबह उठने को? जो पूरा दिन हम इसका असर हमारे शरीर पे दिखता है, हमारे ऊपर दिखता है। जब कभी बहुतों से पूछते हैं कि सुबह उठना क्या मज़ा आता है सुबह उठने में, या फिर देर तक सोने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो बहुतों के मुँह से बस यही सुनते हैं कि देर तक जब ठाठ से सोते हैं, ठाठ से उठते हैं अपना मन से, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, तो ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुतों के मुँह से ये सुनते हैं, लेकिन शायद वो लोग ये नहीं जानते कि सुबह का जो कीमती समय हमारे हाथ से निकल गया वो फिर लौट के नहीं आएगा। सुबह का समय इतना स्पेशल इसीलिए बोला गया। जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, सफल लोग हैं, उन सब का ये कहना है कि खुद से अगर प्यार करते हो, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहते हो, तो सुबह का टाइम से अपने आप प्यार हो जाएगा, फिर सुबह उठने का अपने आप से मन करेगा। सुबह सुबह का जो एक ये एकाग्र वाला मन रहता है ना, एकाग्रता रहता है, और दिमाग भी उसी काम पे टिका हुआ रहता है जिस काम पे हमारा एकाग्रता रहता है, तो सुबह सुबह का ये काम भी बढ़िया से होता है, और फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कोई ये डिस्टर्ब नहीं करता। झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, तो कोई पार हो जा रहा है तो मन चिड़चिड़ा जाता है, तो भाई रोकते हैं कि मत पार हो, मत आओ, तो इससे बच जाते हैं सुबह सुबह। एक बाज की तरह जिंदगी के आसमान में मुश्किलों के बादलों को अपने पंखों से चीरते हुए ऊंचा उड़ना सीखो, ताकि आपको आगे बढ़ने से, सफल होने से कोई चाहकर भी अगर रोके तो आप रुको नहीं। एकाग्र रहना सीखो। इतिहास गवाह है, जो सोया सो खोया, जो जागा उसी ने पाया। तो फ्रेंड्स, ये तो बात सही है, जो सोया सो खोया। सुबह की तो खैर इतनी अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी हवा, और अभी मंदिरों में जो आज शनिवार है तो हनुमान चालीसा बज रहा है, इधर से घंटी का आवाज़ आ रहा है, और इधर तो हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ तो इतना ज़्यादा पेड़ पौधा है ना कि अभी कोयल का कुकू बहुत ज़्यादा, और चिड़ियों की चहचहाट बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मेरा काम धाम हो रहा था, और आज हम सीढ़ियाँ सोचे थे ये नीचे वाला सीढ़ी पे झाड़ू लगाएंगे, तो फ्रेंड्स ये सीढ़ी का झाड़ू पोछा डेली नहीं करते हैं, बस घर का डेली करते हैं। और किसी ने, बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे कल के वीडियो में सजेस्ट किया कि थी गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाते, तो आप बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे ऐसे सजेशन देते हो, तो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट हम सबका पढ़ते हैं, चाहे कितना भी लेट हो जाए लेकिन कमेंट हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो बस यहाँ पे अब कोशिश करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि गुरुवार को पोछा ना लगाए, लेकिन क्या करें, अभी गर्मी है ना, और बरसात है, और कभी कभी बारिश हो रहा है, अंधड़ आ रहा है, तो इसके चलते ना थोड़ा सा घर वैसे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो भी जाता है, और यहाँ आसपास घर नहीं है, पूरा खाली एरिया है, तो ज़्यादा ही गंदा होता है मेरा घर। बस यही कारण है, थोड़ा सा पोछा वोछा लगा देते हैं तो थोड़ा मन अच्छा लगता है, और क्या साफ साफ लगता है। बस यहाँ पे बाहर में भी झाड़ू लगा दिए थे, पानी गिरा दिए थे, उसके बाद फिर जा रहे थे ऊपर, और हम नीचे जब यहाँ आते हैं ना, तो नीचे का सबसे लास्ट में, मतलब घर का झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद ही जाते हैं नीचे, क्योंकि थोड़ा सा गेट है और सामने घर उर नहीं है, तो थोड़ा डर लगता है, डर सा रहता है, इसीलिए बस यही बात है। उसके बाद इधर आ गए थे आंगन की तरफ, और इधर आज लग रहा है कि धूप करेगा, लेकिन पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मौसम और सीज़न के हिसाब से कुछ कहा नहीं जा सकता है, भगवान की क्या मर्जी। बस यहाँ पे देखिए, चूल्हा हम उघाड़ दिए थे, मतलब हटा दिए थे प्लास्टिक, थोड़ा बहुत हवा लगे, बहुत ज़्यादा गीला हो गया था, लेकिन मौसम आज भी ख़राब है, पता नहीं आज बारिश होगा या फिर दिन भर कहीं टल ना जाए ऐसे ही, तो बहुत, लेकिन फिर भी हम हटा दिए थे कि थोड़ा बहुत हवा अभी लग रहा है, अभी मौसम अच्छा है ना तो हवा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये जो बारिश हुआ ना, तो बारिश हुआ, और यहाँ प्लास्टिक के बोरी में थोड़ा सा बालू रखा हुआ था, और ये मोटा वाला बालू था, कंकड़ वाला, और ये जब फट गया धूप बारिश के कारण, ये फट गया, फट गया, फटने के बाद ये झरझर झरझर नीचे गिर रहा था, इसको उठा दिया। अब निमी के पापा आएंगे तो उनसे हम हटवा देंगे, क्योंकि बोरी के पीछे ना ये है छिपकली गया है, तो हम हटाएंगे नहीं, हमको तो डर के मारे हालत मेरा ख़राब हो जाता है, तो हम तो हटाएंगे नहीं, तो वो आएंगे तो उन्हीं को बोलेंगे कि हटाइए, कहीं इसको रख दीजिए कहीं अंदर,
बस यहाँ पे ही चूल्हा के पास भी हम साफ कर दे रहे थे। देखिए अगर आज मौसम साथ दिया तो ये चूल्हा जलाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं जलाए हैं, 4-5 दिन से नहीं जलाए हैं ये चूल्हा। और अगर सूखा तो जलाएंगे, नहीं तो फिर आज भी नहीं जलेगा, क्योंकि लकड़ियाँ तो भींगी हुई है, फिर भी लकड़ियाँ सूखी हुई है, लकड़ियाँ का कोई बात नहीं, लकड़ियाँ से तो हो जाएगा, लेकिन चूल्हा ही इतना ज़्यादा गीला है कि ये सूखे तब तो जले, बस यही बात है। और यहाँ पे भी अच्छे से चकाचक साफ़ करती हैं, और ये बरसात में ना साफ़ सुथरा रहता है तो ही अच्छा लगता है। और अभी का जो गर्मी और बरसात है ना, तो सुबह सुबह उठ के सारा काम करो और स्नान कर लो तभी चैन मिलता है, नहीं तो चैन नहीं मिलता, शरीर एकदम बेचैन हो जाता है। और इतना ज़्यादा गर्मी है, ये आषाढ़ महीने का गर्मी, आप लोगों को तो पता ही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये अभी बारिश उमस वाला गर्मी है, क्योंकि हवा जब चले ना तो ही ठंडा लगे, अगर हवा नहीं चलता है, थोड़ा सा हवा बंद हो जाता है तो लगता है कि एकदम चारों तरफ से उमस आ रहा। बस भाई, बस यहाँ पे स्टील वाला बाल्टी था, थोड़ा सा इसको भी अच्छे से चकाचक से साफ़ कर दिए मैस के। और स्टील वाला बाल्टी जितना साफ़ सुथरा मैसा हुआ रहता है तो चमकते रहता है। बस यहाँ का मेरा सारा काम हो गया था, घर का भी झाड़ू पोछा हो गया था, और घर का झाड़ू पोछा हो जाने के बाद, यहाँ का सारा काम होने के बाद, और देखिए गलती से हम पेपर इधर लेके आ गए थे, उधर रखना भूल गए थे, और अब स्नान करने की तैयारी हो रही है। और सुबह सुबह अगर अपने मन को तरोताज़ा रखना है, शरीर तो खैर तरोताज़ा हो ही जाता, मन तो खैर तरोताज़ा से उल्टा बोल दिए, मन तो तरोताज़ा हो ही जाता है सुबह उठने से, लेकिन अगर शरीर को भी तरोताज़ा रखना है तो सुबह स्नान करने की भी अच्छी वाली आदत ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि फिर धूप होगा, धूप होने के बाद पानी गर्म हो जाता है, और फिर गर्म गर्म पानी से स्नान करो या फिर पसीना स्नाओ, बात बराबर ही हो जाता है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सब कैसे हो, सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा, मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो हो गया मेरा सुबह का काम, और सुबह उठने से बहुत ज़्यादा काम निपट जाता है, नहीं तो फिर एक बार अगर लेट हो गया ना, एक बार अगर खाना में लग गए तो फिर वही नाश्ता वही खाना बनाओ खाओ, पूरा दिन निकल गया। लेकिन नहीं, सुबह उठने से बहुत ज़्यादा काम मेरा होता है। और कुछ सामान हम शाम को रात में कल मंगवाए थे, शाम को ही बोले थे, रात में लाए थे, वो सामान को भी अभी मुझे रखना है और एक दो काम और करना है, उसके बाद नाश्ता में लगेंगे। तो चलिए अच्छी वाली आदत के साथ अपने दिन की शुरुआत कर दी है, और अपनी ज़िंदगी को भी अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। और सुबह उठने से बहुत एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि टाइम मिल जाता है तो सोचते ये काम वो काम सारा निपटा ही लें, और हम लोगों का तो घर में बहुत ज़्यादा काम होता ही है, देखने वालों को तो नहीं पता चलता, और बोलने वालों को तो खैर कुछ कह नहीं सकते कि क्या बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जो करता है वो जानता है। और आप लोग को भी समझ में आता होगा कि घर में कितना ज़्यादा काम होता है, मतलब कभी लगता है कि इधर जाते हैं तो उधर का काम समेट ले, उधर आए तो इधर का काम समेट ले, ऐसे लगता है। तो बस इधर का यहाँ का भी ये सब सामान थोड़ा सा रख दिए थे सेट करके, दाल वाल मंगाए थे, और एक बहन ने पूछा था कि आप ग्रोसरीज अपने दिखाओ मंथली का, तो मंथली का ग्रोसरीज अब जिस दिन हम मंथली का ग्रोसरीज लाएंगे उस दिन हम ज़रूर शेयर करेंगे, अभी मंथली का लाए नहीं है, वैसे बीच बीच में थोड़ा बहुत आ जा रहा है, बस इसीलिए नहीं शेयर कर पा रहे हैं। और यहाँ पे बोतल था, एक था चिल्ली सॉस का बोतल खाली हुआ था, तो हम सोचे चलो इसको भी साफ़ करके, वैसे भी कांच का बोतल हम फेंकते नहीं है काम, क्योंकि कांच का बोतल रखने में बहुत अच्छा लगता है, भले ही वो फूट जाए, इस साल भी 2 फूट गया, बेटा आया था छुट्टी में, बच्चे आए थे तो फोड़ दिए, 2 बोतल फोड़ दिए सॉस वाला, लेकिन फिर भी हम रखते हैं, फूटे तो फूटे लेकिन देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, कांच वाला बोतल चमकता ज़्यादा है, और साफ़ कर दो तो और भी ज़्यादा। तो यहाँ पे सारा साफ़ उफ कर दिया, और यहाँ पे आज सोच रहे थे ना जामुन का जूस बनाने, तो यहाँ जामुन लेके बैठ गए थे, और बाहर ही बैठ के उसका हम बीज निकाल लिए थे सारा। और बीज निकालने से पहले याद आया कि हम नहाते समय ना जो कपड़ा साफ़ किए थे धोए थे वो हम ड्रायर में डाल दिए थे, कि थोड़ा ड्रायर में डाल देने से जल्दी सूखेगा, क्योंकि बरसात का दिन है, बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी आ जाए कभी भी ये हो जाए, तो ड्रायर में डालने के बाद थोड़ा सूख गया उसके बाद। और ये सारा कपड़ा हम हाथ से ही स्नान करते समय धो लिए थे, वैसे भी स्नान करते समय कोशिश करते हैं कि हम कपड़ा धो ही लें, क्योंकि छोड़ देने से ना फिर वही होता है, जमा हो जाता है, छूट जाता है, क्योंकि काम तो लगा ही रहता है, और काम जितना जल्दी जल्दी निपट जाए उतना ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर सारा कपड़ा धो लिए थे, और देखिए मौसम तो आज साफ़ है, अभी तक तो साफ़ ही है, अब आगे का नहीं कह सकते। और फ्रेंड्स ये बात तो सही है कि अगर हम 4 बजे उठ जाते हैं तो दोपहर होते होते नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा लगता है कि आधा घंटा लेटे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिन भर चलते ही रह जाएंगे, रात के 10 बजे तक चलते रहेंगे, थोड़ा तो मन करता ही है, तो उसके लिए भी टाइम निकलता है। और देखिए जामुन का सारा बीज निकाल लिए, और जामुन को काट काट के ऐसे करके ले आए, अब इसका हम जूस बना लेते हैं, आज जूस ही पिलाएंगे,
इनको भी और हम भी पियेंगे। कभी कभी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और जामुन का जूस हम कभी बनाए नहीं थे, पहली बार बनाया है, लेकिन अच्छा लगा था पीने में, बहुत अच्छा लगा था। तो बस देखिए, और कलर तो इतना सुंदर है इसका, है ना, इतना प्यारा कलर आया है जामुन का, मत पूछे। और कुछ नहीं, उसको हम छाने उने कुछ नहीं, बस पीस दिए और उसके बाद काला नमक डाल के उसमें हम डाल दिए, बस पी लिए। बस टेस्ट एकदम सेम जामुन वाला था। और छाने क्यों नहीं, छान सकते हैं, लेकिन छाने नहीं कि इसमें जो रेशा होता है ना, वो रेशा वाला वो खाना चाहिए, वो पेट में जाने से ज़्यादा फ़ायदा करता है। बस वो जूस वूस ले लिए थे और थोड़ा सा कुछ फल भी था, नाशपाती था, वो काट के इनको दे दिए थे, ये भी खा लिए, हम भी पी लिए, खा लिए। उसके बाद चाय लेके आए। आज हम चाय के साथ पेपर का चुस्की लेंगे। नहीं नहीं, पेपर के साथ, गलती ही उल्टा बोल दिए, पेपर के साथ चाय का चुस्की लेंगे। कहते हैं ना कि पेपर पिए पढ़ो और चाय पियो, तो थोड़ा सा लगता है चाय का भी मज़ा और पेपर का पढ़ने का मज़ा दोगुना हो जाता है। तो वैसे भी हम पेपर थोड़ा सा मॉर्निंग में ही देख लेते हैं, क्योंकि पेपर फिर चला जाएगा, निमिक पापा लेके चले जाते। तो आप लोग के मॉर्निंग का ये वीडियो आप लोग का शेयर करते करते आप लोग के साथ, देखिए मेरा सारा काम भी निपट गया, चाय भी पी लिए और अब नाश्ता बनाने जा रहे हैं। तो नाश्ता का ये वीडियो हम आप लोग का नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे आप लोग के साथ कि क्या स्पेशल नाश्ता बनाया है। तो फिर मिलते हैं आप लोग से कल। टाटा बाय, सी यू।